Hello dear students, welcome back to the channel of Science AK. Last class we have discussed the characteristics of the chemical reaction और हम लोगों ने discuss कर लिया था formation of precipitate और evolution of gas. The third characteristic we are going to discuss today and we will carry onwards the chapter, the different characteristics, the balancing of equations and many more things today we are going to complete. So coming to the point that the third characteristic was change in phenol. We can identify a chemical reaction also by identifying the change in color, by saying the change in color. किसी भी chemical reaction को पहचानने का और एक और characteristic क्या है कि उसके solution के color में क्या change है. चेंज का सिंपल मीनिंग दैट मींस बदलाव कि उसके कलर में अगर वो कलर उसका कुछ और था रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद उसका कलर कुछ और हो जाता है. तो इसमें मैंने जैसे कि पहले एग्जांपल एक लिख दिया है आप लोगों के लिए दैट व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विद साइट्रिक एसिड. तो कहने का मतलब है कि पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में व्हेन वी ऐड साइट्रिक एसिड टू द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो ओरिजिनल कलर है तो वो है पर्पल. कौन सा कलर है? पर्पल कलर का है. लेकिन जब इसमें हमने साइट्रिक एसिड डाला तो जो प्रोडक्ट्स बना हमारा हाइड्रोजन परमैंगनेट एंड द ये बाय प्रोडक्ट तो इसमें इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो कलरलेस हो गई. तो रिएक्टेंट का जो कलर था रिएक्शन से पहले वो क्या था? पर्पल कलर का था. और रिएक्शन के बाद जब इसमें साइट्रिक एसिड हमने मिला दिया तो इसका जो कलर क्या हो गया? कलरलेस हो गया. मतलब अब इसका कोई कलर नहीं है. तो ये जो एग्जांपल है ये भी इस बात को प्रूव करता है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चेंज इन कलर आल्सो आइडेंटिफाइज द केमिकल रिएक्शन. तो इस रिएक्शन को भी आप लोग लिख लेंगे. इस रिएक्शन को फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि पोटेशियम परमैंगनेट में जब साइट्रिक एसिड को मिलाया जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर था रिएक्टेंट्स का और वो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स बने हैं तो उसमें उसका कोई कलर नहीं है, दैट इज कलरलेस. तो यू शुड राइट डाउन द फर्स्ट एग्जांपल. Now I will give you the second example. So just write down it first. I hope you have written down the example. तो ये सारे जो reactions मैं लिखा रहा हूँ, ये सारे reactions tenth के board में direct भी पूछे जाते हैं कि how can you identify the chemical reaction or give any example that identifies that a chemical reaction can be identified with the change in color. So we are going to study the second example, example number 2. Second example jo hamara hoga wo kehta hai ki when acd5 potassium dichromate acd5 potassium dichromate ke solution mein jab hum sulfur dioxide uske aqueous solution mein jab hum log sulfur dioxide gas pass karwate hain तो उसका जो कलर होगा वो क्या होगा? ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा. क्या कलर हो जाएगा? ऑरेंज से ग्रीन. तो क्या मैं बोल रहा हूँ एसीडी5 दैट मींस इट विल बी एसीडी5 उसमें एसिड भी प्रेजेंट होगा एंड दैट एसिड विल बी द सल्फ्यूरिक एसिड. तो सबसे पहले लेना है इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट को. तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7. इट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और इसका हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट. आप लोग फॉर्मूला भी यहां से अभी से भी चाहे तो याद कर सकते हैं. दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास. तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या मिला था और इसके एसीडी5 पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो एसीडी5 कहने का मतलब इसमें क्या प्रेजेंस होगा? H2SO4. और इसमें जब हम लोग कौन सा गैस पास करवाएंगे इसके एक्वस सॉल्यूशन से? सल्फर डाइऑक्साइड. कौन सा गैस? सल्फर डाइऑक्साइड गैस. तो ये जो रिएक्टेंट इसमें हम लोग क्या मिलाएं? एसीडी5 पोटेशियम डाइक्रोमेट. इसमें कौन सा गैस पास करवा रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड. तो रिएक्शन से पहले इसका जो कलर है पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक्वस सॉल्यूशन का वो कलर होता है ऑरेंज. कौन सा कलर होता है? ऑरेंज.
तो रिएक्शन से पहले इस सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज है, लेकिन व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट द कलर चेंजेस टू ग्रीन। कलर किस में चेंज हो जाता है? ग्रीन में चेंज हो जाता है। इसको लिखिए, नाउ आई विल राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन। अभी तो मैंने सिर्फ रिएक्टेंट लिखा है, द स्पेस इज नॉट सफिशियंट टू राइट द प्रोडक्ट्स, सो फर्स्टली आई विल रब इट एंड देन आई विल राइट द प्रोडक्ट्स। तो आप लोग पहले रिएक्टेंट्स लिखिए। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तो अब जो हमने देखा कि वो जो प्रोडक्ट्स में क्या क्या बनेंगे, तो प्रोडक्ट्स में इसका बनेगा, एरो में दे देता हूं ताकि आपको पता चले कि रिएक्टेंट्स जो मैंने लिखवाया था वो इधर रहेगा और इधर अब इसका प्रोडक्ट लिखेंगे। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा क्रोमियम सल्फेट का, डायक्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 का होल थ्राइस। तो ये डायक्रोमियम सल्फेट जो होगा इसका एक्वस सॉल्यूशन, और साथ ही साथ इसमें प्रोडक्ट्स में बनेंगे पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, और साथ ही साथ इसमें फॉर्मेशन होगा आपका वाटर, इसका फॉर्मेशन होगा वाटर, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो ये जो प्रोडक्ट्स बन रहा है रिएक्शन के बाद, तो उधर जो रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट्स का जो कलर था एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर था वो ऑरेंज रहता है, लेकिन जब उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवाया जाता है तो इस सॉल्यूशन का जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन। क्या हो जाएगा? ग्रीन। तो कलर में चेंज आ रहा है, दैट व्हाई आई हैव रिटन द चेंज इन कलर, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। तो ये सारी चीजें बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते हैं यहाँ पे, ये बस लिखवा देते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा देंगे, चेंज इन कलर करवा देंगे, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल करवा दिया है ताकि एग्जांपल डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड में कि बताइए इसको दे देगा एक्स है, कोई कंपाउंड वाई है, रिएक्शन से पहले उसका कलर पर्पल था, उसके बाद ऑरेंज था, उसके बाद कलर उसका ग्रीन हो गया। तो बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है एक्स वाई के फॉर्म में आपको अननोन कंपाउंड एलिमेंट्स देके पूछा जाता है। तो अगर रिएक्शन हमको याद रहेगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, प्रोडक्ट्स में क्या क्या बन रहा है, डाइक्रोमियम सल्फेट बन रहा है, पोटेशियम सल्फेट बन रहा है, और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो कलर था वो ऑरेंज से इसमें कन्वर्ट हो गया ग्रीन में। तो ये टू बेसिक फंडामेंटल एग्जाम्पल्स हैं और सफिशियंट है यहाँ पे, तो इसको आप लोग नोट डाउन करें। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक, कौन कौन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर। नेक्स्ट जो हमारा है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर जो है ये हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक है टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, टेम्परेचर में चेंज होना, आइदर द टेम्परेचर विल इंक्रीज, चेंज दो तरह से हो सकता है, आइदर टेम्परेचर विल इंक्रीज, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और द टेम्परेचर विल डिक्रीज। किसी भी चीज में चेंज दो ही प्रकार का हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो दो तरह से हो सकता है, या तो टेम्परेचर बढ़ता है या टेम्परेचर घटता है। तो अब मैं आपको एग्जांपल्स बताने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग चेंज इन टेम्परेचर देखेंगे, और यहीं पे मैं आपको दो टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताने जा रहा हूँ, द टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट वन इज रिलेटेड विद द हीट एंड टेम्परेचर, क्योंकि वो टेम्परेचर से रिलेटेड है इसलिए मैं उसको यहीं पे बताने जा रहा हूँ ताकि आपको कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसको बाद में रिएक्शन में टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। एंड दैट वन इज द टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज इंडोथर्मिक। तो ये दो टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं
two types of reactions which depend on the change in temperature and the amount of heat energy. तो दो टाइप से होंगे, एक एक्सोथर्मिक होगा, एक इंडोथर्मिक होगा. तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेपरेटली द इंडोथर्मिक रिएक्शन. So I hope you have written down. वीडियो को अच्छे से आप लोग पॉज करके इसका नोट्स बनाते जाइएगा, चीजों को अच्छे से समझिएगा, और जो भी डाउट्स होंगे उसको आप मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं. ठीक है, आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स. इसको भी मैं ब्रॉक कर देता हूँ. तो बस याद एक चीज रखना कि व्हाट वी आर स्टडिंग वी हैव टू यूज इट्स एप्लीकेशन बाय सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू 10th बोर्ड एग्जामिनेशन. और ये अभी बस एक बेसिक लेवल है. आई विल मेक यू टू ब्रिंग यू टू द जीरो टू हीरो लेवल. टारगेट वही है, पहले एकदम बेसिक है. इस तरह से पढ़ाना है कि जो कमजोर से कमजोर बच्चा, जो खुद को कमजोर मानता है, कमजोर कोई होता नहीं, ओनली डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड लेबर, है ना. तो कम से कम वो बच्चा भी समझ जाए जिसका बेसिक्स क्या है, थोड़ा कमजोर है. ठीक है ना, इसलिए मैं उस लेवल से आपको बता रहा हूं. तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगला एक्सोथर्मिक. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पे होगा, तो इसको देखते ही हमको पहले दो चीज दिमाग में आना चाहिए. द टू थिंग्स वी शुड कम टू आवर माइंड. तो पहला क्या होगा कि इसमें जो हीट होगा, हीट इज इवॉल्व, मतलब हीट एनर्जी इसमें बनेगा. हीट इज इवॉल्व, हीट एनर्जी रिलीज होगा, इवॉल्व और रिलीज्ड. हीट इज इवॉल्व और रिलीज्ड इन द प्रोडक्ट्स. एंड नंबर टू, जनरली वी सी द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो पहला क्या है कि इसमें हीट इवॉल्व होगा या हीट रिलीज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में. और दूसरा चीज क्या रखना है कि टेम्परेचर जो होगा इंक्रीज करेगा. जाहिर सी बात है कि इसमें हीट रिलीज हो रहा, दैट मींस द टेंपरेचर विल इंक्रीज. तो ये इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा, इसका नाम ही हम लोग कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, हीट इवॉल्विंग रिएक्शन. दैट मींस द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व और रिलीज्ड एंड वी सी अ इंक्रीज इन टेंपरेचर. ठीक है, तो ये दोनों बेसिक पॉइंट्स हैं, पहले आप लोग इसको लिखिएगा. नेक्स्ट आई विल गिव यू सम बेसिक एग्जांपल्स रिलेटेड विद द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो नोट डाउन फर्स्ट. तो लिख लिया हुआ आप लोगों ने, मैं इसको अब ड्रॉप कर देता हूं. आई एम गिविंग यू सफिशिएंट टाइम टू राइट डाउन आल्सो, सो जस्ट मेक योर नोट्स इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, सो दैट विल हेल्प यू in division. So coming to the basic examples, अगर इसका definition अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं. बच्चों को होता है कि definition भी लिखना है, तो definition आप लिख सकते हैं. The reaction, ना short में लिखना हो reaction, आप लोग इसको अच्छे से लिखिएगा. The reaction in which heat is released. The reaction in which heat is evolved or released. तो इसको इस तरह के reaction को हम लोग क्या बोलेंगे? Exothermic reaction. Simple सा basic definition लिखना है और यही basic इसका definition होगा. इसको आप लोग note down कर लेंगे. The reaction in which heat is released. मतलब वैसा reaction जिसमें heat release होगा उसको क्या बोलेंगे? Exothermic reaction.
मैं आपको अभी कुछ ऐसी बेसिक बातें बताऊंगा जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे आसानी से। कुछ कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स क्या बोलेंगे उसको, एक बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, उसको देख के आप बता सकते हैं कि किसी रिएक्शन को कि वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। तो पहले आप लोग इसको लिख लिए, नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स। तो सबसे जैसे बेसिक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, गिव मी द मार्क। पहले आप देखिए आप लोग ये है क्या, दिस इज द कैल्शियम ऑक्साइड एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, है ना। अभी मैंने ये जगह खाली छोड़ी है, क्यों छोड़ी है मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। आप लोगों ने चूना पत्थर का नाम सुना होगा, देखा होगा, व्हाइट कलर का होता है, उसको पेंट करने के लिए घरों पे, दीवारों पे, अब तो बहुत सारे का डिफरेंट पेंट्स आ गया, लेकिन पहले के समय में और आज भी जो लोग गरीब लोग हैं इसी का यूज करते हैं अपने घर की पोताई करने में। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका ये हो गया नेम, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, केमिकल नेम है इसका क्विकलाइम। क्या नाम है इसका, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। तो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन वाटर इज एडेड इन द, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में। व्हेन वाटर इज एडेड इन द कैल्शियम ऑक्साइड व्हिच इज इन सॉलिड फॉर्म द प्रोडक्ट्स फॉर्मड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH से हम लोग डिनोट करते हैं हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और ये जगह मेरे मैंने छोड़ा था, ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को डालते हैं तो उससे हीट निकलता है, एंड द सॉल्यूशन बिकम्स हीटेड, दैट मींस देयर इज एन इंक्रीज इन द टेंपरेचर। मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंक्रीज होता है टेंपरेचर, टेंपरेचर इंक्रीज करता है और साथ ही साथ हीट इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हीट, और इसके बगल में एक एरो का साइन देंगे। तो ये जो हीट है इट इज रिटन इन द प्रोडक्ट साइड, इसके साइड में लिखाएगा, प्रोडक्ट के साइड में लिखाएगा, और इट इज डिनोटिंग दैट हीट इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द टेंपरेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये बेसिक एग्जांपल, एग्जांपल वन है कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग वाटर डालते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और किस चीज का रिलीज होता है, हीट का रिलीज होता है, क्या चीज इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग पहले लिख लेंगे, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, समझ में भी आ रहा है सबको, एकदम बेसिक सा बात है, कुछ बड़ा चीज नहीं बता रहा हूं, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा इन सारे रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या रिलीज होगा, हीट होगा। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट होता है ना, मान लीजिए कि आपको ये रिएक्शन दिया हो, आपको अभी नहीं पता था, आपको बताना है कि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसका बेसिक सा वो तरीका जो है कि इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा मैक्सिमम टाइम्स जो हीट होगा वो प्रोडक्ट के साइड होगा, बिकॉज यहाँ पे हीट जो है प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है ना। तो ये जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, इसको मैं थोड़ा स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से लिखें। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे डेली लाइफ में, कुछ बायोलॉजिकल एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें जैसे डाइजेशन आता है, क्योंकि डाइजेशन के बाद क्या होता है, उसमें भी एनर्जी रिलीज होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसमें भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है ना। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये सारे किसके एग्जांपल होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगला एग्जांपल मैं बेसिक सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ नंबर टू में। आप लोगों ने सब तो जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसी को ले लेते हैं।
कार्बन प्लस ओ टू, ये क्या बनाएगा? सीओ टू बनाएगा। इतना तो सबको पता है। ऑक्सीजन यहाँ पे किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में। और कार्बन यहाँ पे किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये जो प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इस प्रोसेस में भी, इसको बनने में भी यहाँ पे क्या होता है? हीट रिलीज होता है। तो अभी तक बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोसेस होता है या जो रिएक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लोग बेसिक सा एग्जाम्पल है, स्मॉल एग्जाम्पल है ना, इजी है। और अगला एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बात किया था रेस्पिरेशन के बारे में, जरूरी केमिस्ट्री है तो इसमें हमको बायोलॉजी का टर्म यूज नहीं कर सकते। बायोलॉजी में भी बहुत सारे जो रिएक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन, है ना। तो जैसे रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन का जो एग्जांपल है इसमें क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है ऑफ ग्लूकोज, है ना। जैसे C6, इसका क्या एग्जाम्पल है? H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। और इसमें रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन इज एडेड इन द ग्लूकोज एंड इट ब्रेक्स डाउन द ग्लूकोज इनटू डिफरेंट वेरियस पार्टिकल्स, और वो क्या क्या बनेंगे ये भी देखेंगे। तो C6H12O6, इसमें क्या एडिशन हुआ है? 6O2। क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे 6O2? बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड विद दिस ग्लूकोज। और इसका जो प्रोडक्ट बनता है ये हमारा बनेगा 6CO2, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स या 6 मोल्स ऑफ वाटर, एंड द लास्ट वन इज एनर्जी। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दैट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ग्लूकोज। और इसमें जो फॉर्मेशन हो रहा है किसका? किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, और यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखना है, स्टार करना है इसको, एनर्जी फॉर्मेशन। तो ये जो एनर्जी है दैट इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। हीट भी क्या? हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस तरह का भी रिएक्शन है, एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि एनर्जी रिलीज होना दैट डिटरमाइंस द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहां भी आप लोग गौर कीजिएगा कि जो एनर्जी रिलीज किया है या जो एनर्जी निकला है, हीट एनर्जी जो है, दैट इज रिटन इन द साइड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इससे आप आसानी से किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पहचान सकते हैं। नंबर वन पॉइंट वाज इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड द नंबर सेकंड पॉइंट इंक्रीज इन एमरेज। तो ये सारे बेसिक एग्जांपल्स हैं एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो, है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, तो इतना एग्जांपल काफी है। और मैं यहीं पे जान के इसको आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझने में जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये काफी था, दिस वाज सफिशिएंट एग्जांपल फॉर एक्सोथर्मिक। नाउ वी कम टू द इंडोथर्मिक। जैसे एक्सोथर्मिक था वैसे हम इंडोथर्मिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था इंडोथर्मिक के बारे, एक्सोथर्मिक के बारे में, दैट हीट इज रिलीज्ड। और यहां पे क्या होगा? हीट इज एब्सॉर्ब्ड। और सेकंड पॉइंट वहां था इंक्रीज इन टेम्परेचर। और यहां पे जो सेकंड पॉइंट था वो क्या होगा? डिक्रीज इन टेम्परेचर। जस्ट अपोजिट आप लोग देख रहे हैं, नाम में भी है एक्सो इंडो, है ना। तो याद रखने का क्या तरीका है कि उसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रहा था और यहाँ पे हीट एनर्जी क्या हो रहा है? अब्सॉर्ब हो रहा है। वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और फिर मैं इसका डेफिनेशन करवा रहा हूँ और एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। तो एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? उसमें क्या था? हीट रिलीजिंग रिएक्शन या हीट इवॉल्विंग रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा? हीट एब्सॉर्बिंग रिएक्शन।
तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं इसका डेफिनेशन लिख पा रहा हूँ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब डेफिनेशन की तरफ आएंगे हम लोग। तो इसका जो डेफिनेशन होगा इंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्या लिख सकते हैं हम लोग? द रिएक्शन इन विच heat is absorbed, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। हीट विल बी गिवन टू द रिएक्टेंट टू कंप्लीट द रिएक्शन। उसमें क्या है कि रिएक्शन होने के बाद हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे रिएक्शन होने के लिए ही हमको क्या देना पड़ेगा? हीट एनर्जी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको लिख लीजिए पहले। तो हो गया होगा। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स, फ्यू एग्जांपल्स रिलेटेड विद इंडोथर्मिक। तो पहला एग्जांपल जो है यहाँ पे, एग्जांपल नंबर वन, ये जो एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्योंकि ये एग्जांपल जो है आईआईटीज वगैरह में भी पूछे जाते हैं, है ना। व्हेन यू विल गो इन हायर क्लासेस यू विल फाइंड दिस एग्जांपल इन दैट क्लास। तो ये रिएक्शन होगा नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो जनरल रूम टेम्परेचर वगैरह पे रिएक्ट नहीं करते हैं। वी हैव टू गिव देम अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और देयर शुड बी अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस टू कंप्लीट द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये बातें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन बस लिख देते हैं कि N2 प्लस O2 हो गया, N2 और यहाँ लिख दिए O2, दैट इज एंड The formation, तो यहाँ पे क्या देना पड़ता है इसको? हीट देना पड़ता है। We require, the reaction require the amount of sufficient amount of heat to complete the reaction. और ये जो products बनाएंगे, ये 2NO बनाएगा, हाँ, यहाँ पे nitrogen भी gaseous form में है, oxygen gaseous form में। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि endothermic, exothermic में हम लोग heat किस side लिख रहे थे? Products के side। यहाँ पे heat क्योंकि दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? Reactants को दिया जा रहा है to complete the reaction. That's why we are writing the heat in the side of the reactants. तो यहाँ पे जो ये heat दिया जा रहा है, तो ये बता रहा है कि ये reaction कैसा होगा? Endothermic. और इस reaction के बारे में आप लोग लिखे गए points star देखिए कि इस reaction को करवाने के लिए कम से कम minimum कितना temperature देना पड़ता है? Minimum temperature जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 3000 degree Celsius. कहने का मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जनरल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसको देना पड़ता है रिएक्शन करवाने के लिए। तो ये बहुत ही स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। राइट डाउन दिस। तो हो गया होगा। अब मैं अगला एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूँ। अगला एग्जांपल जो मैं बताने जा रहा हूँ आपका वो है सेम रिलेटेड विद द कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब फिर उसमें CO2 पास करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर जब उस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दिया जाता है तो वो फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो कैसे होगा देखेंगे हम लोग। CaCO3 ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्या देना है? हीट देना है। देखिए बार बार हीट इधर दिखा रहा है बिकॉज इट इज द इंडोथर्मिक, heat is given to the reactant. तो जब ये देते हैं इसको यहाँ पे heat, तो यहाँ पे heat देने का मतलब क्या है कि ये इसको अभी देखिए reactant बस एक ही compound एक ही और कुछ नहीं, बस इसको क्या दे रहा है? Heat दे रहे हैं। तो heat देने के बाद ये टूटेगा, it will be decomposed. You can also say it a decomposition reaction. हम लोग जब आगे पढ़ेंगे types of chemical reactions में तो वहाँ भी ये example आएगा। मैं आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वहाँ आसानी से समझ में आ जाएगा कि decompose कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि इसको क्या दिया जा रहा है? Heat दिया जा रहा है। तो when heat is given to calcium carbonate it just breaks down. तो breakdown कैसे करेगा? जिससे ये बना है उसी में क्या होगा? Decompose होगा।
सो इट विल डिकम्पोज इन कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, और किसमें ब्रेकडाउन होगा CO2. तो दिस इज द कैल्शियम ऑक्साइड सेम हियर, तो द कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइन, और इसी में जब CO2 पास करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना. तो इसी में जब इसको हम ब्रेक डाउन करवाएंगे दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस, है ना. तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे. तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको. तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये कैसा डिकम्पोजिशन है. तो एक पॉइंट और है स्टार मार्क करने का, कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिएक्शंस आर क्या, कौन से होंगे, इट इज गिवन, इट इज एब्सॉर्ब, तो क्या होंगे, इंडोथर्मिक. सारे कैसे रिएक्शन होंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन, टूटना, तो उसको तोड़ने के लिए क्या देना है, हीट देना है. हीट विल बी एब्सॉर्ब बाय द रिएक्टेंट, तो हीट जब एब्सॉर्ब हो रहा है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इट विल बी इंडोथर्मिक. ओके राइट. एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ दैट विल बी रिलेटेड विद बायोलॉजी, में हम लोग उसको पढ़ते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उस प्रोसेस को. तो वो जो एग्जांपल मैं अभी बताने जा रहा हूँ उस प्रोसेस का पहले नाम बताता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा. द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. हाँ, फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने सही सुना कि फोटोसिंथेसिस है. लग रहा होगा कैसे हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, तो हम लोग बायो में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में कैसे आके, केमिकल रिएक्शन में कैसे आके, तो आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं. फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट, इस बात को ध्यान दीजिए, तो सनलाइट क्या देता है, लाइट से क्या मिल रहा है, सनलाइट से हीट एनर्जी. हीट इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स टू मेक देयर फूड, तो वहां भी केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन हो रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. Then they are able to make their own food. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, photosynthesis. तो इसका reaction अब आप लोग लिखिएगा. Photosynthesis का क्या reaction होता है? तो 6 CO2 plus 6 H2. Carbon dioxide होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि photosynthesis में carbon dioxide gas होता है, water होना चाहिए और क्या होना चाहिए? Sunlight. Sunlight चाहिए और क्या चाहिए? Chlorophyll चाहिए. तो मेन मेरा जो मोटो है इस रिएक्शन को बताने का, दैट इज टू एक्सप्लेन यू द इंडोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पे क्या है, सनलाइट. तो सनलाइट यहाँ पे किसका काम कर रहा है, हीट का काम कर रहा है. इट विल प्रोवाइड हीट, और हीट मिल रहा है, इट इज एब्सॉर्ब, इट इज गिवन टू द रिएक्शन, दैट मीन्स इट विल बी एन इंडोथर्मिक रिएक्शन. और इसके बाद इसका प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड एज C6H12O6, सेम बनेंगे, ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा इसमें भी, C6H12O6 एंड प्लस O2, ये गैसेस फॉर्म होगा. तो सेम देख रहे हैं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में व्हेन हीट इज गिवन, That means the glucose will be formed and oxygen will be formed. और जाहिर सी बात है plants क्या release करता है, oxygen करता है, लेता क्या है, carbon dioxide लेता है, ठीक है. तो this is one of the famous examples of endothermic reactions. Class 10th board में इसको बहुत बार पूछा जा रहा है, इस साल भी पूछा गया है, है ना, CBSE ने इस question को पूछा है. तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा that will be really applicable to the board exams and also for IITs and medicals. उसमें भी ये सारी चीजें पूछे जाते हैं. तो आपको एकदम जीरो टू हीरो बनाना है, तो ये जीरो से एकदम आपको ये हीरो लेवल तक का आपका क्लास टेन तक का इक्वेशन होगा. अब आपको बोर्ड एग्जाम में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है ना. तो मैं जितना भी बताऊंगा
आपका उसको कवर करने के बाद एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी। शर्त बस इतना है, यू हैव टू डू हार्ड लेवल एंड यू हैव टू बी कंटिन्यू इन द क्लासेस। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। तो हमारा दो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इंडोथर्मी एक्सोथर्मी, और ये किसके अंतर्गत आया, चेंज इन टेम्परेचर। तो पूरा का पूरा चेंज इन टेम्परेचर में ही मैंने आपको बता दिया, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये छोटा सा है, इसको देखेंगे, दैट वाज द चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, देखिए मैं आपको यहाँ पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि स्टेट का मतलब क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, तो स्टेट का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसका कौन सा फेज है। तो स्टेट का मतलब क्या हो जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो नाम से ही क्लियर है कि उसमें किसमें चेंज आ रहा है, उसके स्टेट में। और कहने का मतलब अगर वो सॉलिड होगा तो लिक्विड और गैस में चेंज हो जाए। तो इस टाइप का जो भी रिएक्शन होगा, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि किसी भी अगर सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, तो उससे भी ये डिटरमाइन कर सकते हैं दैट दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। इसको आप लोग लिखिए स्टेट को। और सिंपल सा एग्जांपल मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आप लोग देखेंगे, सब लोग देखा होगा कि कैंडल बर्न्स, तो कैंडल जब बर्न करता है किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंबशन प्रोसेस है। तो कैंडल जब बर्न करता है तो इसमें क्या है, तो ये कैंडल अभी किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। बर्न करने के बाद ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा आपका, लिक्विड में। उसका जो वैक्स होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और साथ ही साथ वेपर, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द वेपर, और यू कैन से इट द गैस CO2। तो कैंडल जब जलता है, बर्निंग ऑफ कैंडल गिव्स लिक्विड वैक्स एंड द गैसियस CO2। तो देखा यहाँ पे इसका फिजिकल स्टेट क्या था, सॉलिड था। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, लिक्विड और किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो इससे भी स्टेट में चेंज से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है। दिस वन इज अ सफिशिएंट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। मैं इसको अब्रप्ट कर रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि वी हैव कंप्लीटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो अभी इस टॉपिक को यहाँ खत्म करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज हैज बीन कंप्लीटेड। यू हैव टू राइट डाउन द पॉइंट्स इन योर नोटबुक, मेमोराइज द पॉइंट्स, रीड इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।